हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो किचन। आज हम बनाने वाले बहुत डिलिशियस स्वीडिश रेसिपी जो है हेज़ल बेक पोटैटोस। ये बेसिकली पारवल पोटैटोस होते हैं जिसको ओवन में बेक करते हैं अंटिल दे वेरी क्रिस्पी और इनका सारा मॉइस्चर निकल जाता है। आज हम उसको सर्व करने वाले हैं वेजिटेबल इन पिंक सॉस के साथ। तो ये बेसिकली वन पॉट रेसिपी है। तो ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 बड़े आलू। इसको हम कुकर में रख के 1 सीटी तक पकाएंगे। तो सिर्फ आपको थोड़ा पार बॉयल करना है इन आलू को, और होने के बाद एक बार कुकर ठंडा हो जाए उसके बाद आलू निकाल देंगे। इसके हम हल्के हाथों से चाकू की मदद से स्लाइसेस करने वाले हैं। आपको सिर्फ 3/4 ऑफ द आलू का ही स्लाइस करना है, यानी आपका जो बेस है वो वैसे ही रहेगा, आलू एक ही रहेगा, सिर्फ ऊपर के स्लाइसेस कट होंगे। तो चाकू की मदद से हल्के हल्के हाथों से ये स्लाइसेस को अलग करते जाए और बीच में गैप करते जाए। ये हमारा आलू रेडी है। अगला बटर लेंगे 1 चम्मच, ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर। आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, थोड़ा ऑरेगानो ऐड करेंगे। आप चाहे तो नमक या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरा ऑरेगानो ऑलरेडी थोड़ा सॉल्टी है, इसके लिए हम सॉल्ट अलग से ऐड नहीं करने वाले। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको हम पोटैटो के ऊपर अप्लाई कर देंगे एक ब्रश की मदद से। हल्के हाथों से करिएगा, इस स्लाइसेस के बीच में भी आपका बटर और जो ऑयल का मिक्सचर है वो आराम से ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस बेकिंग ट्रे में हमने ऐड कर दिया है। इसको हम अभी बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। अगला मैं पैन में ले रही हूँ ऑयल 2 चम्मच। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। चॉप्ड गार्लिक 1 चम्मच ऐड किया है। इसको सॉटे कर लेंगे अच्छे से। हम इसका जो सॉस है वो बना रहे हैं। इसके अंदर डाल रही हूँ अनियन चॉप्ड 1 कप। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अनियन आपके कलर में लाइट ब्राउन होने लगे तब अब ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्ची। यहाँ पर मैंने 3 से 4 कश्मीरी मिर्ची को टुकड़ों में कट कर दिया है। इसको सॉटे करने के बाद डालने वाले हैं टमाटर, लंबे लंबे चॉप किए हुए 7 से 8 टमाटर लिए हैं मैंने, स्लाइसेस में ऐड कर दिया है। आप कोई भी साइज या शेप में रख सकते हैं क्योंकि हम इसको ग्राइंड करने वाले हैं। थोड़े मिंट के लीव्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है आपके लिए, वो भी अच्छे से सॉटे कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा कोरिएंडर डालने वाले हैं, आप चाहे तो बेसिल लीव्स भी ले सकते हैं फ्लेवर के लिए। अच्छे से सॉट करने के बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 चम्मच शक्कर, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच चिली पाउडर, जो हमारा नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर है वो। इस चीज़ों को अच्छे से सॉट करके 3 से 4 मिनट तक पकाए, जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद पानी डाल दीजिए 1/2 कप। तो ये हमारा जो सॉस का कंसिस्टेंसी है वो अच्छा रहेगा। एक बार बॉयल आ जाए पानी को तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने रख दीजिए। ठंडा होने के बाद मैं अभी मिक्सर जार में इसको ऐड कर लूँगी और ग्राइंड कर लिए। ग्राइंड किया हुआ पेस्ट हमने वापस पैन में लिया है, उसमें 1 कप अनियन डाल रही हूँ चॉप्ड, थोड़े ब्रोकली, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो अपने चॉइस के, थोड़े कैप्सिकम। इन सब चीज़ों को मिला के पकने दीजिए। अगला दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच आटा, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और डिज़ोल्व कर दिया है। और यही मिक्सचर हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ये इंस्टेंट पिंक सॉस के लिए रेसिपी है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे 3 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए। अगला हमारा पोटैटोस चेक कर लेते हैं। वाओ, अमेजिंगली बेक हो चुके हैं, ऊपर से कलर भी चेंज हो चुका है। बीच में हम अब डालने वाले हमारी पिंक ग्रेवी। तो साइड से भी आप ऐड कर दीजिए, जहाँ पे आपको स्पेस दिखे आप वैसे तरीके से ग्रेवी को ऐड कर दीजिए। टैप करके थोड़ा चीज़ ग्रेट करने वाले हैं इसके ऊपर। इसके बाद मैं एक्चुअली पोटैटो को ग्रेवी के ऊपर रखने वाली हूँ। तो हम थोड़ा ऑरेगानो चिली फ्लेक्स डालने के बाद, ये देखिए मैंने पोटैटो को ऊपर रख दिया है डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, और इसको हम प्री हीटेड ओवन में कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। अगला हमारा बेक पोटैटोस रेडी है, हेज़ल बेक पोटैटोस, और ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इन्हें कोई फ्राइड है और पोटैटोस भी हमने बॉयल और बेक किए हैं। तो बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर रेसिपी। थैंक यू।